अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज बकरीद की चांद रात है और अरफात का दिन है। इस दिन हम सब रोज़ा रखते हैं और अरफात का दिन साल का सबसे ख़ास दिन है। इस दिन अल्लाह जहन्नम से बहुत बड़ी तादाद में लोगों को रिहा कर देते हैं। दैट मीन्स कि जिन लोगों का नाम जहन्नम में कन्फर्म लिखा जा चुका होता है, अल्लाह उन्हें माफ़ कर देते हैं। इस दिन की गई नेकियां अल्लाह को पूरे साल की गई नेकियों से बेहद पसंद है। तो आज इफ्तार करने के बाद हम जाएंगे थोड़ा घर का सामान लाने के लिए, क्योंकि नाश्ता बनाना है, सुबह को तैयारी करनी है, तो सारा सामान लाना पड़ेगा। और सामान से याद आया, मुझे दुपट्टा भी लाना है, क्योंकि मैंने जो अपने सूट सिले हैं उसके दुपट्टे नहीं हैं मेरे पास में, तो उसका दुपट्टा भी मुझे जाकर लाना होगा। और मम्मी का भी देखिए ना, अभी तक नहीं किए हैं, मतलब स्टिच कर चुके हैं लेकिन अभी भी स्लीव नहीं हुआ है रेडी, तो उसे बैठकर अभी रेडी करना है। फिर घर का सारा काम निपटाने के बाद में शाम को जाएंगे मार्केट। तो गाइस, दिन भर तो बहुत ही ज़्यादा बिजी थे, जिसके वजह से हम कैमरा लेकर आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर पाए। अभी हम जा रहे हैं अपना दुपट्टा लाने के लिए, देखते हैं कलर मिलता है या नहीं मिलता है। और मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो जो वायर रोस्टर होता है ना, वो मुझे ज़्यादा ज़रूरी कबाब बनाने के लिए, तो हम जा रहे हैं वो लाने के लिए। चलिए आप लोग भी मेरे साथ मार्केट की सैर कराते हैं आप लोगों को भी। मार्केट से और सारा सामान जो भी मुझे ज़रूरत था वो सारा सामान हम लेकर आ चुके हैं। सुबह के लिए अब मुझे तैयारी करने जाना है। पहले इन लोग को हम दे देते हैं डिनर, क्योंकि अभी रात के बज रहे हैं 9:30, और हम दे देते हैं इन लोगों को डिनर। डिनर करने के बाद सुबह का सारा तैयारी अभी से ही प्रिपेयर करके रखेंगे। हम जा रहे हैं शीर कोरमा बनाने, चिकन का चाँप बनाएंगे और पराठा तो सुबह उठ कर ही बना लेंगे। चलिए देखते हैं क्या क्या करते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो फाइनली
फाइनली गाइज हमारी सारी तैयारी हो चुकी है बकरीद की। सारा काम हमने निपटा लिया है और कपड़ा से लेकर खाना तक हमने माशाल्लाह सब कुछ रेडी करके रखा है। बस सुबह उठूंगी, झटपट से पराठा बनाऊंगी। पराठा बनाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा क्योंकि हम तो जॉइंट फैमिली में रहते नहीं, मेरा न्यूक्लियर फैमिली है, तो इस वजह से लेट नहीं होगा पराठा बनाने में। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरा वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो अभी हम यहीं अपना व्लॉग एंड करते हैं, मिलते हैं बकरीद के दिन। आप लोगों को बकरीद मुबारक मेरे तरफ से। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। Style is the answer to everything.